नमस्कार, आज के इस साप्ताहिक साक्षात्कार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुद्धिजीवी समाज सेवी चक्रेश अग्रवाल से, लेकिन विस्तार पर जाने से पहले लेते हैं छोटे से ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहां पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने वाले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोकलपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281-783-2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka Utkrisht Utpadan, CKG Mouth Watering Fruit Jams, Continental Sauces, Pickles in Different Flavors, Vinegar, Delicious Tomato Ketchup, you and CKG. What a great अब विस्तार से। सरकार व रिजर्व बैंक में मुस्तैदी के बावजूद बैंकों और ATM पर भीड़ कम नहीं हो, जानकारी दे रहे हैं समाज सेवी बुद्धिजीवी चक्रेश अग्रवाल। पेश हमसे हमारे स्वागत की बातचीत। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं समाज सेवी चक्रेश अग्रवाल जी। आज हम बात करेंगे कि मुद्रा कैसे बदली जाए, कैसे चेंज हो, क्या सिस्टम है इसका। आइए बात करते हैं समाज सेवी चक्रेश अग्रवाल जी से। चक्रेश जी, जो मुद्रा बदलने का सिस्टम है, मोदी ने किया है, क्या सिस्टम है, किस दिन से हम अपनी मुद्रा को चेंज कर सकते हैं? गुप्ता जी नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो इस कार्यक्रम को देखते हैं और अपनी सलाह भी देते हैं, और कई बार हमें उनकी समस्याओं को निवारण करने का मौका भी मिलता है। ये एक हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए बहुत बड़ी बात है। और आपने जो कहा अभी कि मुद्रा विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी, तीनों चारों शब्द अगर हम सरल भाषा में कहें कि नोटबंदी भी है, तो नोटबंदी का जो कार्यक्रम है उसका सभी भारत की संपूर्ण जनता की तरह हम भी स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि ये एक सभी लोग इसमें सहयोग कर इस प्रक्रिया को पूरा कराएं और देश की प्रगति में साथ दें। तो कैसे हमें अप्लाई करना चाहिए, यदि हमें कोई चेंज की नहीं मुद्रा, क्या चेंज है? देखिए, अभी जो इसमें मुद्रा अभी दो तरीके से चेंज हो रही है। एक तो ये कि आप अपने पुराने नोटों का, अगर आपके पास खाता नहीं है तो अपनी आइडेंटिफिकेशन लाइए, और 4,000 रुपये शुरू में थी, अब 2,000 रुपये है, 2,000 रुपये आप तुरंत प्रभाव से
आधार की फोटोकॉपी जमा करके आप बदल सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने खाते में जमा करिए और निकाल ले। जो खाते में जमा करने की लिमिट है वो अनलिमिटेड है। हम आप कितना भी रुपया उसमें जमा कर सकते हैं, वो 500 के भी हो सकते हैं, वो 1000 के भी हो सकते हैं, उसमें कहीं पर भी किसी तरीके का वो नहीं है। मगर अनलिमिटेड में भी ये स्पष्टीकरण जरूर है कि जब आप सरकार को पैसा दे रहे हैं या बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं तो सरकार आपसे ये पूछेगी जरूर कि ये पैसा आपका है कि नहीं, क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा दुरुपयोग हो रहा है। जनधन खाते या डेड खातों में भी 2.5-2.5 लाख रुपए डाले जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने ये कह दिया कि 2.5 लाख रुपए चूंकि एक आम आदमी की इनकम होती है और वो टैक्सेबल नहीं होती, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई पूछेंगे नहीं। तो उसी का फायदा उठा करके जो जीरो बैलेंस खाते थे जनधन खाते में खुले हुए थे उनमें ये डालने की प्रक्रिया की गई है, जो असंवैधानिक है, क्योंकि आप 1 नवंबर 2016 से ही बेनामी एक्ट लागू हो गया है। इस एक्ट के तहत अगर आप अपना धन, अघोषित धन किसी के खाते में जमा कराते हैं तो आपको 1 साल से 7 साल तक की सजा का प्राविधान है और उस पैसे की जब्ती का प्रोविजन है। अब वो गरीब आदमी को आपकी वजह से परेशानी हो, ऐसी स्थिति आपको नहीं लानी चाहिए। हमने खुद टीवी न्यूज़ वगैरह में देखा है कि बंगाल में गांव के गांव दबंगों ने कैप्चर कर लिए हैं और उनके खातों में पैसे डलवाए जा रहे हैं। तो ये एक भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, देश के कानून के खिलाफ है और सामाजिकता के भी खिलाफ है कि आप कानून का पालन करें। आपके साथ कोई भी व्यक्ति अनलिमिटेड धन जमा कर सकता है, यही कंडीशन है कि 2.5 तक एक अकाउंट में जमा होंगे। यदि ज्यादा जमा करे इनकम टैक्स और डिपार्टमेंट उनसे इंक्वायरी करेगा या उनको पेनल्टी डालेगा 90%। देखिए मैंने जो कहा है अनलिमिटेड वो अपनी जगह में सही है, आप अनलिमिटेड रकम डाल सकते हैं, मगर आपको ये बताना है कि आपके खाते में इस तरीके की रकम पहले भी डलती और निकलती रही है, इसका स्रोत क्या है। अगर किसी आदमी ने अपने बच्चे की शादी के लिए 20-30 लाख रुपए निकाल रखे हैं और वो अपने पास रखे हुए थे तो, और अब अचानक ये डिमोनेटाइजेशन हो गया तो वो पैसे तो बेकार हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में वो डाल सकता है। दूसरा, अगर जैसे मान लीजिए मैंने अभी लेबर के लिए निकाले थे, मगर 9 तारीख को तो मैं लेबर को जरूरी नहीं है कि 500-1000 रुपये में दे सकूं, तो ऐसी स्थिति में भी वो कंपनियां या वो प्रतिष्ठान उस पैसे को वापस डिपॉजिट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं 2-2, 4-4 लाख रुपये कुछ सामान खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए वगैरह वगैरह लिए रखते हैं, तो जब उन्होंने वहाँ से खाते से विड्रॉ कर रखा है तो वो उसे जमा कर भी सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके हजारों मजदूर लगे होते हैं, तो उन मजदूरों को पेमेंट करने के लिए आपने रखा होता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अब आपको बदलना है, क्योंकि 8 तारीख की रात 12 बजे से यानी कि 9 तारीख की सुबह 12:01 से तो वो प्रभावी नहीं है, तो आपको बदल के देने पड़ेंगे। ये बात अलग है कि मजदूर उसे ले ले क्योंकि पैसे का अभाव है, पर वास्तव में तो वो वैध तो नहीं है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी रकम, इसीलिए उस दिन ज्वेलरी वालों की दुकानें मोदी जी के 8 तारीख को 8 बजे भाषण देने से लेकर के सारी ज्वेलरी की दुकानों पर इतनी ज़बरदस्त भीड़ थी और इतने प्रीमियम पर सोना बिका है और कि रात के 12-1 बजे के बाद भी उनको फुर्सत नहीं मिली, हालांकि 12 बजे के बाद वो उस मुद्रा को एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं थे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुना पार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहां पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट, गाइड, NCC, NSS, योगा,
कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें, नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 2257-3594, वेबसाइट www.siddharthinternational.com। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहां अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल। पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलनाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा 32। फोन नंबर 2230-6292-2239-2314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। जमनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहां पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें, नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 2257-3594, वेबसाइट www.siddharthinternational.com। ब्रेक क्या और आपका स्वागत है। पर फिर भी इस तरह की ट्रांजेक्शन हुई है और आपने देखा है कि उसकी चार्ज चल रही है, ज्वेलर से डाटा मांगा है, किन किन लोगों ने परचेज कराया है, कितनी सीमा में किया है और उसकी CCTV फुटेज भी मांगी गई है। बहुत से व्यक्तियों का बैंक अकाउंट नहीं है, फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं उनका अकाउंट नहीं है, दुकानों पर काम करते हैं उनका अकाउंट नहीं है, तो वो तनखा उन व्यक्तियों को फैक्ट्री ओनर, दुकानदार और जो और भी कोई संस्था है कैसे देंगे? देखिए एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। एक तो वैसे तो जनधन खाते में आपने 20 करोड़ खाते खोले हैं, मगर वो जनधन खाते मजदूरों के गांव में खुले क्योंकि उनका आधार वही था, वोट वही थी वगैरह वगैरह, है ना जी। अब बात यह है कि वो माइग्रेंट होकर के मजदूर बने हुए हैं, तो इस पे एक प्रोविजन है कि एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के खाते खुल सकते हैं। कोई भी प्रतिष्ठान अपनी प्रतिष्ठान का हवाला दे करके एम्प्लॉई सिस्टम में खाते खुल सकते हैं और सरकार ने ये प्रयत्न शुरू कर दिए हैं कि इन लोगों के तुरंत खाते एज ए एम्प्लॉई खुले, जिससे कि आने वाली 7 तारीख को उन्हें समय से तनख्वाह मिल सके और इस प्रक्रिया में सरकार लग गई है और चाहती है कि वो खाते खोले, वरना उनके जो पुराने खाते हैं उन खातों में डाला जाएगा। जो मजदूर व्यक्ति हैं या सर्विसमैन हैं उनको हर हफ्ते बैंक
क्या सिस्टम होगा उसका? नहीं देखिए, अकाउंट उनका स्टार्ट है। देखिए हाँ, एक तो अकाउंट स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया खोलने की तो हो गई, मगर स्टार्ट की प्रॉब्लम ये है कि जो चेकबुक आएगी वो उनके उस एड्रेस पे आएगी या प्रतिष्ठान पे आएगी, एक वो है। दूसरा, अभी जितने भी बैंक हैं वो नोट बदलने की प्रक्रिया और नोट जमा करने की प्रक्रिया में अपने स्टाफ को झोंके हुए हैं। सिंपल बैंकिंग प्रक्रिया RTGS भी नहीं हो पा रही है और लाइन इतनी ज़्यादा है कि वो किसी को अंदर जाने भी नहीं दे रहे। जो जनता है जो लाइन में लगी है उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि आपको जमा करने हो, बदलने हो, निकालने हो, RTGS करनी हो, खाता खोलना हो, आओ लाइन में। आप ऐसा नहीं हो सकता कि बदलने वालों की लाइन लगी रहे। और ये वाला कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए एक अलग व्यवस्था कर दी गई है, मगर वो भी अभी अपर्याप्त है। मगर हमारा जो कहना यह है कि खुद प्रधानमंत्री जी ने भी माना है और अनुरोध किया है कि हाँ परेशानी होगी, और मैं भारत की जनता से ये उम्मीद करता हूँ कि देश की तरक्की के लिए वो इस उम्मीद इस परेशानी को झेलेंगे। और हमें ये जानकर खुशी हो रही है, ये देखकर के शांति है कि हाँ लोग उसमें परेशानी को महसूस तो कर रहे हैं मगर उसे दिल से ना लगा करके उसको झेल रहे हैं और मुस्कुराते हुए झेल रहे हैं। चलिए जी, आम जनता को परेशानी हो रही है, बैंकों में जाते हैं, क्यू में खड़े होते हैं सुबह शाम तक और बहुत से वापस भी आते हैं, पर कुछ व्यक्तियों पर करोड़ों रुपया नए नोटों का पाया गया है, पकड़े गए हैं। नहीं अभी सोना चांदी पकड़े गए हैं, हाँ, हाँ। सोने के देखिए, हाँ अभी जो हम बात कर रहे हैं उसमें नई करेंसी ज़्यादा नहीं पकड़ी जा रही है। अभी जो है वो सोना ज़्यादा पकड़ा जा रहा है, सोने पे प्रक्रिया, और पुराने नोट पकड़े जा रहे हैं क्योंकि लोग पुराने नोट जो अघोषित आए हैं उसको विभिन्न तरीकों से ठिकाने लगाने के लिए मूवमेंट में करा रहे हैं। और सभी को पता था जब आप किसी चूहे के बिल में खाने की जहर की गोलियां डालेंगे या पानी डालेंगे तो चूहे निकल के भागेंगे, तो ये भी सरकार को पता था कि जब हम इसे अवैध घोषित करेंगे तो इसको वैध कराने के लिए वो मूवमेंट में आएगी और दौड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति में हमें उन्हें पकड़ना है, तो ये सरकार एक गंभीरता से इस बारे में प्रयत्न कर रही है, ये तो हमें लग रहा है। अभी 20-22 दिन बाकी हैं, क्या समय बढ़ना चाहिए क्लाइम नोट जमा करने की या नहीं? नहीं, पुराने नोट जमा कराने के लिए तो अभी देखा जाए तो एक महीना है, अभी हम 26-27 तारीख में बात कर रहे हैं तो ये तो 30 दिसंबर तक हो सकते हैं, तो अभी बहुत समय है। जो प्रक्रिया है कि 2000 रुपये जो चल रहे हैं इस वक्त, 2000 रुपये जो वापस वो प्रक्रिया है, इसको भी मुझे उम्मीद है कि वो थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। जिस तरीके से पब्लिक सर्विसेज में चल रहा है, पेट्रोल पंप पे, मेट्रोज में, हॉस्पिटल्स में, मेडिसिन में, ये भी प्रक्रिया थोड़े से दिन और चलने वाली है। कहते हैं कि 14,500 करोड़ रुपए 14 लाख करोड़ रुपए छापे थे, यदि जनता ने 14,000 करोड़ से ज्यादा नोट बैंकों में जमा करा दिए तो उसका क्या हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं, मैं इसमें सिर्फ दो बातें होंगी कि कहीं ना कहीं भीड़ का फायदा उठा करके कुछ जाली नोट हमारे यहाँ पर जमा हुए हैं, नंबर एक। नंबर दो, हो सकता है एक नई संभावना ये निकल के आती है कि नोट छापने वाली एजेंसी RBI में ही एक सीरीज के कहीं ज़्यादा नोट ना छपे हों, वहाँ कहीं कोई धांधली तो नहीं हुई या बिना बताए कोई सीरीज तो वहाँ से नहीं निकली, ये भी एक विषय बन सकता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो। देखिए अभी तो मेरे हिसाब से लगभग 8-10 लाख करोड़ रुपया खातों में आ चुका है और हमें भी उम्मीद है, नहीं अभी जो अब मैं 23 दिसंबर की बात करूं तो 23 दिसंबर अभी हम जैसे 23 नवंबर की बात करें तो वहां पर लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास तक आया है। तो ये डाटा तो बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी तो लोग
जमा करने के बजाय बदलवाने में ज्यादा लगे हुए हैं। सुना है कि लोग अपने एम्प्लॉयज को कह रहे हैं कि काम तो है ही नहीं, चलो जाकर के तुम नोट ही बदलवा के ले आओ, तुम्हें दिहाड़ी से अलग मतलब तुम्हारी तनख्वाह से अलग भी कुछ पैसे दे देंगे। ये एक ऐसी प्रक्रिया हमारे एरिया में चल रही है, मगर सरकार भी सजग है और उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी है और वो इस पर प्रतिबंध लगाने के कुछ ना कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। विपक्ष है मोदी जी को इल्जाम रहा है कि काम ठीक नहीं हुआ, क्या वास्तव में ठीक नहीं हुआ, क्या अपनी बातों को विपक्ष छुपाना चाहता है? नहीं, देखिए विपक्ष के पास तो छिपाने के लिए तो कोई बात है ही नहीं। है क्या कि विपक्ष नोटबंदी का विरोध भी नहीं कर सकता क्योंकि जनता उसके देश के साथ खड़ी है, और केवल जो जिन लोगों के पास स्टैग्नेशन ऑफ मनी रुपयों के या मुद्रा के कमरे के कमरे भर के रखे हुए थे वो रोटेशन में आ जाए इसलिए था, तो उनके अलावा तो और कोई तो इसको कहेगा नहीं, सिर्फ परेशानी के बारे में बात करेगा। और विपक्ष जो है अब ये आरोप जरूर लगा रहा है कि तैयारी नहीं करी गई। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents Deo Bhumi Uttaranchal ka utkrisht utpadan, CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG, what a great break! क्या और आपका स्वागत है? कुछ लोग कहते हैं discussion नहीं किया गया, तो हमारे हिसाब से ये दोनों बातें ही बेमानी हैं, क्योंकि discussion करते तो मार्केट में आ जाता, और अगर पहले तैयारी करते जैसे वो कह रहे हैं कि एटीएम कैलिब्रेट नहीं करी, एटीएम कैलिब्रेट करने कोई मतलब नहीं था, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा एटीएम्स हैं, तो आप उन्हें अगर कैलिब्रेट करेंगे तो कोई सवाल तो उठेगा कि आप किस लिए कैलिब्रेट कर रहे हैं, तो उससे इस गुप्त योजना का लीक होने का डर था और गलत लोगों को उस मौके को फायदा उठाने का समय मिलता। तो तैयारी में मैं ये नहीं मानता कि इससे बेहतर तरीके से इस स्कीम को लागू किया जा सकता था, ये जरूर चर्चा का विषय हो सकता है कि इस स्कीम को लागू करना चाहिए था कि नहीं था, मगर इस स्कीम को क्या इससे बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता था या मॉनिटर किया जा सकता था, इसमें मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक बेहतर तरीके से इससे के अलावा और कोई चारा नहीं था, और मॉनिटरिंग भी पर घंटे जिस तरीके से प्रशासन ने अपने आप को रिपोर्ट किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। विदेश में एक देश है, आई थिंक फ्रांस है या कौन सा देश है, जिसमें पूरा काम नहीं, देखिए पूरे विश्व में एक ग्रीस या आयरलैंड कोई देश है एक छोटा सा, उस देश में है कि करेंसी से काम होता है, और आप उसे आप ये मानिए कि हमारे जमुना पार से भी छोटी उसकी आबादी है, तो छोटे से एरिए में तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। उससे कहीं अच्छे अच्छे उदाहरण तो भारत में पड़े हैं, सनी सिग्नापुर में कोई ताले नहीं लगाता है, गुजरात का एक पूरा का पूरा शहर है जहाँ पर पैसे मतलब रुपए आज भी नहीं चलते हैं, वहाँ सारे आप उनकी कैशलेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो ऐसी बातें अलग है, मगर भारत जैसे देश में संपूर्ण रूप से डिजिटलाइजेशन या प्लास्टिक मनी का प्रचलन अभी बहुत दूर है। उसके लिए हमें सबसे पहले सबसे बड़े रिसोर्स मजदूर और किसान, मजदूर और किसान की कीमत फिक्स करके खर्चे फिक्स करके पहले उसे हमें केंद्रित करना होगा, और उसको अपना प्लास्टिक मुद्रा में बदलना होगा, तब जा करके पूरे बाकी सब व्यापार को आप बदल सकते हैं। और अभी जहां हम 67 साल बाद भी संपूर्ण भारत के गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाए हैं, 25% गांव में हम पीने का पानी नहीं पहुंचा पाए हैं, और आज भी जिस देश को की जनता को सरकार द्वारा टॉयलेट करने के तरीके में के बारे में समझाना पड़ता है, वहाँ इतनी हाईटेक होना अभी एक दूर का स्वप्न है। कोशिश जरूर होनी चाहिए और निरंतर कोशिश में उसमें सुधार होगा,
जो अभी हमारे यहाँ 15% डिजिटलाइजेशन मतलब प्लास्टिक मनी चलता है, हम इतने प्रयास करने के बाद उसे अगर 25% तक भी ले जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और इस स्कीम का जो सबसे बड़ा फायदा आने वाला है वो कैलकुलेशन ऑफ मनी है। हर किसी के खाते के पैसे वो खाते में होंगे, हिसाब होगा, बेहिसाब संपत्ति का हिसाब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और जहाँ तक टैक्स कलेक्शन की बात है, टैक्स कलेक्शन जो है अपना लगभग मुझे उम्मीद है कि 30-35% बढ़ेगा। पैसे का जो वैल्यू है वो पैसे की स्थिति बढ़ेगी लगभग खातों में 25-30% वो बढ़ेगा। और हाँ, बैंकों को अब ज़्यादा काम करना होगा, RTGS, चेक विड्रॉल, ये जो है ये लगभग डबल हो जाएंगे, हमारा ऐसा मानना है। जनता को क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिस भारतीय संस्कृति के लिए भारत की जनता जानी जाती है कि देश के साथ खड़े होते हैं, आप सब देश के साथ खड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं दिल से आपको भारतीय जनता का आदर करता हूं। हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2221-0638-22-0639-8107-21848-9818-7015-2। हमारा फैक्स नंबर है 2221-0638। ईमेल आपके बाद @yourdot.in। हमारी वेबसाइट है www.dillyapm.com। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर और गूगल पर भी देख सकते हैं। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198/1 श्रीराम नगर, शाहबाद, दिल्ली 32।